शासन के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन द्वारा ईट राइट मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी रामपुर ने किया। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर के उत्सव पैलेस में शासन के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन द्वारा ईट राइट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद घनश्याम सिंह लोधी और जिलाधिकारी रामपुर पहुँचे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मोटे अनाज से बनने वाले व्यंजनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने भी और सांसद ने भी मोटे अनाज से बने खान पान का भी लुत्फ लिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि मोटे अनाज से कौन कौन से व्यंजन तैयार होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर में भी पारंपरिक उत्पाद तैयार होते हैं। वहीं अब आइए सुनते हैं जिलाधिकारी रामपुर और क्या कह रहे हैं। ईट राइट मेला भी अंतर्राष्ट्रीय मिलिटियर यूएन द्वारा घोषित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके प्रयासों से मिलेट्स को नई पहचान पूरे विश्व में मिल रही है। तो उसको लेकर और मिलेट बेस्ड जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डेली भोजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं, तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ईट राइट मेला आज लगाया गया था। हमारे माननीय सांसद जी ने, हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने, सभी अधिकारियों ने उस पर प्रतिभाग किया है और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलेट्स का व्यापक प्रचार प्रसार होगा और जो रूटीन के हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादियाँ हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, बर्थडेज हैं, तो उन सभी में मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक अच्छा मिलेट ईयर के अवसर पर ये शुरू। सर, कई चीज़ों का आपने भी टेस्ट लिया, सबसे अच्छी कौन सी रही और क्या कहें? सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। पहली बार हमने बाजरे की टिक्की, बाजरे की खीर खाई, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बड़ा अच्छा क्वालिटी फूड था।